मुंबई में बैठक, गठबंधन में गदर, चेहरे पर घमासान, इंडिया में संग्राम, दावेदारों की लिस्ट, कौन होगा फिट? 2024 के सबसे बड़े संग्राम के लिए विपक्षी एक बार फिर माया नगरी मुंबई में बैठक कर रहे हैं। मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक के लिए लालू यादव और फारूक अब्दुल्ला सहित कई विपक्षी दलों के नेता मौजूद हैं और एजेंडा है 2024 में मोदी के खिलाफ संयुक्त मोर्चा। इस बैठक के एजेंडे में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा सीट शेयरिंग का है। इसके अलावा इंडिया गठबंधन का आधिकारिक लोगो भी जारी किया जाएगा। कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पर विपक्ष अब तक एक राय नहीं है। इनमें सबसे प्रमुख है गठबंधन का संयोजक और पीएम का उम्मीदवार। 2024 में मोदी मैजिक को कौन टक्कर देगा यह भी तय नहीं है। राहुल गांधी, नीतीश कुमार या फिर अरविंद केजरीवाल, आखिर कौन होगा इंडिया गठबंधन का पीएम उम्मीदवार, इस पर विपक्षी दलों ने अब तक चुप्पी साध रखी है। भले ही संयोजक और पीएम उम्मीदवार के सवाल पर विपक्ष के पास जवाब नहीं है, लेकिन दावों में कोई किसी से कम नहीं। इंडिया मजबूत है उसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि जब बंगलुरु में बैठक हो रही थी तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी दिल्ली में बैठक बुलाते, जब मुंबई में बैठक हो रही है तो फिर बैठक बुलाते। ये इस बात का प्रमाण है कि इंडिया गठबंधन बनने के बाद वो हताश हैं, घबराहट में हैं, परेशान हैं, उनको जनता का मूड पता चल चुका। समझता हूँ कोई भी मीटिंग जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और इसकी तो और भी, क्योंकि इलेक्शन करीब आ रहे हैं और फाइनल रोड मैप आज तैयार करना पड़ेगा। संयोजक क्या उम्मीद करें कि उनका नाम फाइनल हो जाएगा, क्योंकि काफी क्यूरोसिटी इसका, इसका संयोजक कोऑर्डिनेटर कन्वीनर कौन होंगे इसके? देखिए आज पता लगेगा आपको, कल जब मीटिंग होगी 1 तारीख तक पता लग जाएगा कौन कन्वीनर है। कई सालों बाद मुंबई आए लालू यादव ने सीधे पीएम मोदी को ही चुनौती दे डाली। मुंबई में नरेंद्र मोदी के नट्टी पर चढ़ने जा रहे हैं हम लोग। आज का दिन नरेंद्र मोदी के नट्टी पर पकड़े हुए एकदम हटाना है। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब मोदी विरोधी साथ आए हैं। सवाल ये है कि क्या इस बार ये जुगलबंदी जमीन पर कमाल दिखा पाएगी? बीजेपी ने इंडिया गठबंधन की बैठक पर निशाना साधते हुए इन्हें अवसरवादियों का मोर्चा कहा। नहीं, देखिए हर पार्टी को लगता है कि उसका जो नेता वो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बने। देखिए नीतीश जी का दावा तो लालू ने ही खत्म कर दिया। लालू जी ने राहुल गांधी को दूल्हा घोषित कर रखा है और लालू यादव क्यों चाहेंगे कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बने? वो क्यों चाहेंगे कन्वीनर बने? कि अगर नीतीश कुमार कन्वीनर बनते हैं तो ताकतवर हो जाएंगे बिहार में, ज्यादा सीटों की मांग करेंगे। तो लालू यादव ने तो 4 दिन पहले ही कह दिया कि कोई कन्वीनर नहीं होगा, क्षेत्रीय कन्वीनर होंगे और कम से कम नीतीश कुमार कन्वीनर नहीं होंगे। तो यहाँ तो आपसी मार काट मची है। ये वो गठबंधन है जो कभी प्रधानमंत्री की कब्र खोदना चाहता है, जो कभी प्रधानमंत्री को ओबीसी होने पर गालियां देता है, जो प्रधानमंत्री के विषय में भद्दी भद्दी और गंदी गंदी बातें करता है, उनके पद तक की गरिमा नहीं रखता, उनकी जाति को लेकर भी उनको गालियां देता है और आज जिस प्रकार से हिंसात्मक प्रवृत्ति प्रदर्शित की जा रही है तो मुझे लगता है कि जनता इसका सही समय पर जवाब देते हुए किसको रंगे हाथों पकड़कर भ्रष्टाचार के लिए जेल में डालना है और किसका हाथ पकड़कर उसे फिर से प्रधानमंत्री बनाना है, ये जनता 2024 में इसका सही जवाब दे देगी। मुंबई में मुलाकात और साथ के दावों के बीच सवाल ये है कि राज्यों में एक दूसरे के धुर विरोधी रह चुके दल मोदी विरोध के नाम पर एक साथ तो आ गए, लेकिन अब भी कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब विपक्ष के पास नहीं है। इनमें सबसे प्रमुख है मोदी के सामने कौन। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।